पहाड़ों में लैंडस्लाइड इज लाइक किसी इंसान के सर से बाल झड़ना, ये होता रहता है, कॉमन चीज़ है। मगर इमेजिन अगर किसी ने ये पहली बार फेस किया है और वो भी चलती हुई बस के सामने, उसका क्या हालत हुआ होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से मेहार गांव से, और आज हम लोग जहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, मतलब जहां पे हम लोग जा रहे हैं आप लोगों को दिखेगा, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं वहां पे पहुंचने का जो हम लोग का प्लान है वो थोड़ा डाइसी सा है। अब डाइसी इसलिए है क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे थे HRCT बस से और ना ही कैब से। जहां हम जा रहे थे खौली टॉप, वो एक 2 आवर्स का ट्रैक है, और बस जाती है जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है, वहाँ एक ही बस जाती है और उसी बस से हमें वापस आना है। अब जिस बस से हम जाएंगे कब वापस आएगी वो पता नहीं था, तो इसीलिए खौली टॉप जा पाएंगे या नहीं ये डाइसी था। मेरे पार्टनर है हम दर्शन आए नंगना, और हमारे साथ आज ताराचंद जी हमारा ओनर भी जाएंगे, और आज हम लोग पब्लिक कन्वेंस पकड़ेंगे, मतलब बस से जाएंगे, लोकल हिमाचल ट्रांसपोर्ट वाला बस। अभी थोड़ा पैदल चलेंगे और वहाँ से बस लेंगे। ताराचंद जी आते रहेंगे, हम लोग चलते हैं पहले। मेन रोड मेरे से 50 मीटर्स दूर है जहाँ पे कैब खड़ी है। कैब से तो हम लोग नहीं जा रहे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर मैं कैब करता तो यहाँ से मुझे 3000 रुपये पड़ता जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, पर बस में अभी 50 रुपये में जाऊँगा एक आदमी का। कैब का 3000 रुपये पूरा फुल कैब का है, और बस में सिंगल पर्सन का 50 रुपये। तो अभी वेट करेंगे ताराचंद जी, पता नहीं कहाँ तक आते हैं, जहाँ तक भी आएंगे जाएंगे साथ में। कहाँ का बोले जी? भी नहीं, हम तो खौड़ी जाएंगे। खौड़ी बस में वहाँ बस आएगी? अच्छा, नहीं बस के लिए अभी क्योंकि हम सोचे कि आप और आगे जाओगे सर। ठीक है ठीक है। ताराचंद जी हमारे जो है वो आ गए हैं। एक बात बताइए ताराचंद जी, ये जो बस यहाँ पे आएगी ना अभी, तो दिन में कितने बस जाती है खौली तक? आजकल एक ही बस जाती है, वैसे 2 बसें जाती है। अच्छा, तो अभी पहली बस है या दूसरी बस है? पहली बस है। और दूसरी बस कब आएगी? दूसरी बस तो अब 3 बजे के बाद ही आएगी, वो फिर रात को वहीं रहेगी ना। अच्छा, अभी जो जाएगी वो वापस आ जाएगी? वो वापस आएगी। और शायद सुनने में ये भी आ रहा है जो ये बस जाएगी ये वहीं खौड़े तक ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी, आगे वाला रोड खराब है। तो हम लोग कहाँ पे उतरने वाले? हमारा मकसद हम लोग का वहाँ तक ही है। हम लोग वहीं बस वहीं तक ही। तो चलो बस के वेट करते हैं, बस के अंदर हिमाचल के बस के अंदर पहली बार चलेंगे, पूरा अलग सा मजा है, दिखाते हैं। अब बस आने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा फोटोज ही खींच लेता हूँ। So, हमारी बस आ गई। रुको रुको, ब्रदर आपका भाई टोपी वाला? अच्छा, वो आपका भाई है? सही है। चलो, यहाँ से कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लगेगा ना। तो पहली बार हिमाचल की लोकल बस में उठे हैं, बड़ा मजा आएगा। HRTC का बस में ट्रेवल कर रहा हूँ तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो जानना जरूरी है। तो चलो HRTC का फुल फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि HRTC का फुल फॉर्म मतलब मीनिंग क्या है। HRTC का फुल फॉर्म है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हिमाचल में जितने भी टाउन्स एंड सिटीज हैं, HRTC बसें हर एक टाउन्स एंड सिटीज तक जाती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट टाउन्स एंड सिटीज बट ऑल्सो अलग अलग स्टेट्स तक लोगों को पहुंचाता है, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। यही नहीं, HRTC बस ऑपरेट करती है वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे भी, जिसमें इंक्लूड है लेह टू दिल्ली, शिमला टू काजा, कुल्लू टू काजा, मनाली से रेकोंगपियो एंड बहुत सारे।
लेह से दिल्ली वाला रूट नया खुला है, जिसका डिस्टेंस है 1203 किलोमीटर एंड इसका ट्रेवल टाइम है 36 आवर्स। ट्रस्ट मी, दिल्ली से अगर आप लेह तक 36 आवर्स में अपनी व्हीकल में पहुंच गए तो आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। HRTC का ड्राइवर तो कुछ अलग ही है। ड्राइवर्स का ट्रेनिंग होता है ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट जसूर, मंडी, तारा देवी, हमीरपुर, चंबा, सरकाघाट एंड कुल्लू, इन अलग अलग जगहों पर इनका ट्रेनिंग होता है। बट आई एम रियली शॉक्ड टू नो अबाउट देयर सैलरी। HRTC बस ड्राइवर का सैलरी 8,000 से 9,000 रुपये के अंदर होता है इन हैंड इन अ मंथ, 11,000 ओवरऑल इन अ मंथ, और कंडक्टर का 5,000 से 6,000 रुपये तक के अंदर होता है इन हैंड इन अ मंथ, जो कि 8,000 से 9,000 रुपये होता है इन अ मंथ। ये फ्रेशर्स का सैलरी है, मतलब जिसने नया ज्वाइन किया है। एक्सपीरियंस्ड को कितना मिल सकता है ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब इतनी खतरनाक रोड्स पे बसें चलती है एंड ड्राइवर्स का स्किल लेवल आप लोग सोचो, एंड तनख्वाह मिलता है इतना कम। देखो ये यहाँ पे लोकल बस में चढ़ने का मजा अलग है, सीट नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, पर मैंने तो बहुत ऐसे ट्रिप किया है बस में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उसको सीट मिल गया वही बड़ी बात है, उठते ही थोड़ा आगे ही सीट मिल गया। अभी कम से कम और 45 मिनट चलेंगे, चलते जाएंगे। बैठो 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 ना बैठो। ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। पहाड़ों में रास्ता इतना कंजस्टेड होते हैं कि दो गाड़ी इंटरसेक्ट कर जाए वही बड़ी बात है। एक चीज तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि लोगों में ईगो नहीं है कि तुम पीछे करो मुझे आगे जाने दो, ये सब भसड़ नहीं है। अब यही एग्जांपल देख लो, बोलेरो पिकअप को जगा देने के लिए बस रिवर्स गियर में चल रही है, बोलेरो भी तो पीछे ले सकता था राइट। यहाँ हर एक गांव वाला आपस में प्यार एंड रेस्पेक्ट से बात करते हैं, और ये इनमें से एक बात है जो मेरे को बहुत पसंद आया, और हमें इनसे जितना हो सके सीखना चाहिए। बस थोड़ी दूर ही चला था, अब प्लॉट में आया जान और हमारा पसीना छूटने लगा, क्योंकि हमारे आगे था एक लैंडस्लाइड। एक्चुअली दूर से तो लैंडस्लाइड ही लग रहा था, और हमें तब तक पता नहीं लगा जब तक मैं बस से नीचे उतर के वहाँ के लोगों से बात नहीं किया। वीडियो को आगे देखिए तो पता लगेगा कि लैंडस्लाइड है कि क्या है। हम लोग का बस वहाँ खड़ी है और यहाँ पे हुआ है एक छोटा सा लैंडस्लाइड, इसीलिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और आप लोग को दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखिए सबके सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, जो छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है उसको साफ करने के ये लगे हुए हैं। ओके, ये एक्चुअली लैंडस्लाइड नहीं है, ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर है उसको तोड़ के नीचे डाले जा रहे हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ लैंडस्लाइड, सो कंस्ट्रक्शन के लिए ये रुका गया है ना भैया? ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए रुका गया है। कोई नहीं, ठीक है, तो लैंडस्लाइड नहीं है। तो भाई लोग, जैसे आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर है तोड़ा जा रहा है, और इसीलिए गाड़ी पीछे खड़ी है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, और हमारे साथ है ये भाई जी, और भाई जी HRTC इस बस का मतलब पायलट है, पूरा चला के आ रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि पहाड़ों में गाड़ी चलाने का तो बहुत ही अलग स्किल चाहिए होता है, मतलब दम ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा रोड देख के चलना पड़ता है, जैसे रोड की कंडीशन होगी उसी हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ती है। और जैसे आपका मौसम ख़राब होने से तो और भी दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत हो जाती है, जैसे स्लाइड गिरता है तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ा गाड़ी चलाने में, ज़्यादा स्लाइड होगा तो गाड़ी वहीं से वापस चली जाएगी। तो वैसे आपका ये वाली गाड़ी, जैसे भैया ने बताया और भैया ने कि बहुत आगे तक जाती है, आज खोली तक ही जाएगी? हाँ, ये बड़ी बस है ना, ये जाती है, 2 सीटर बस है, ये जाएगी खोली तक।
इसके बाद छोटी बस जाती है, वो 42 सीटर बस है, वो जाएगी आगे, तो आगे रोड बंद है, इस करके बड़ी गाड़ी लेती। अभी ये फिर वापस कब आएगी? ये 2 बजे आप ही चले जाएंगे? हाँ, तो हम साथ ही आएंगे मतलब। चलो, अच्छा लगा भैया से मिलकर, थैंक यू। आपने पहली बार मैं एच आर सिटी में उठाऊँ और तजुर्बा मेरे को अच्छा लगा है, अभी तक तो ठीक है, चलो देखते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना, ड्राइवर भाई जी ने बोला कि यही गाड़ी वापस 2 बजे लौटेगी, मतलब हमारा खौली टॉप तक जाने का जो सपना था यहीं फुस हो गया, क्योंकि अब टाइम हो रहा था 1:15 और ऊपर से हम खौली का बस स्टैंड भी पहुंचे नहीं। अब 45 मिनट्स में हम खौली बस स्टॉप पहुंचेंगे, खाना खाएंगे, ट्रैक करेंगे और क्या क्या करेंगे, इतने शॉर्ट टाइम में खाली खाना ही खा सकते थे, तो वही सपना लेके हम आगे निकल गए। सो दोस्तों, यही है खौली का बस स्टैंड और यहीं से 35 मिनट बाद बस वापस जाने वाली थी। इन 35 मिनट में हमने बस खाना खाया, राजमा चावल एंड मैगी। अब खाना क्या दिखाना, हम बस वेट कर रहे थे कि वापस कब जाए, क्योंकि तब तक टाइम हो चुका था 1:50। जितना भी टाइम बचा था, ताराचंद जी ने एक जगह दिखाने के लिए इंसिस्ट किया, सो हम उनके साथ थोड़ा सा ऊपर गए। अब एक ऐसे जगह पे आए हैं, वो ताराचंद जी हमें लेके आए हैं, थोड़ा दिखाता हूँ नज़ारा क्या है। पीछे इस तरफ तो आप लोग को देख ही रहा होगा, पूरा स्टेप फार्मिंग है और यहाँ पे देवधर और पाइन ट्रीज ज़्यादा इतना है नहीं है। और पूरा क्या विलेज का नाम क्या था, खौड़ी, खौड़ी विलेज वो है। और यहाँ पे नज़ारा देखिए, पूरा फ्लैट लैंड है और साइड से एक स्ट्रीम आ रहा है। और यहाँ पे ताराचंद जी बोल रहे कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह होता है। देखिए वहाँ दूर वाइल्ड हॉर्सेस भी है। आई थिंक मेरा इस कैमरा से नहीं आएगा, तो मैं एक दूसरे कैमरा से जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है इस साइड, और यहाँ से बहुत आगे जा भी सकते हैं। तो अभी निकलना पड़ेगा, 2:11 हो गया, बस निकलने वाला होगा। आज के लिए सॉरी, आज के लिए इतना ही दिखा पाऊंगा, बट जो भी हो, थैंक्स टू ताराचंद जी। ताराचंद जी का वाइफ इसी गाँव से है, खौली टॉप से है, तो भाभी को आपको दिखाऊंगा बाद में। अभी चलने का टाइम हो चुका है, लेडीज लेट्स गो। इसीलिए आज का व्लॉग का टाइटल मैंने HRTC का एक सफर रखा, और इसीलिए व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जहां जाने का प्लान है वो थोड़ा डाइसी सा है। अगर खौली टॉप तक जा पाते तो खौली पास ट्रैक का टाइटल देता। अगर आप लोगों को खौली टॉप का ट्रैक करना है तो थोड़ा सा रिसर्च करके आना, विदाउट रिसर्च मत आना। बस अब क्या, अब टाइम था वापस लौटने का। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग वापस उतर गए थे, आप लोगों ने देखा। और हम लोग का एक्चुअली आज जो प्लान था खौली टॉप तक जाने का, जहाँ पे एक मंदिर है, हम जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। एंड बट हाँ, एक एक्सपीरियंस तो हम लोगों ने किया कि जो लोकल बस है HRTC का, उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह लिया, यहाँ से गया और वहाँ से वापस भी आ गया। तो हम लोग का ओवरऑल एक्सपेंडिचर मतलब आज के दिन में 560 रुपीज़ में हम 4 लोगों का हो गया था। देखिए यहाँ से जाने के टाइम पे एक साइड का 182 रुपीज़ होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए आप लोग। और वहाँ पे खाना वाना हम लोगों ने खाया 260 रुपये का 4 लोगों का। मैंने राजमा चावल खाया, आप लोगों ने देखा, और मेरी बहन और वाइफ ने हम लोगों ने मैगी एंड ऑमलेट खाया। फिर वहाँ पे 2-4 जगह आप लोगों को दिखाया, बट एक बात यह है कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि आप शिमला की तरफ से भी आ सकते हो, पर हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि वहाँ पे रुक नहीं पाए। बट होपफुली एक दिन अगर टाइम मिलता है और सुविधा होता है तो यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे, या तो पूरा दिन भर स्पेंड करके वहाँ टॉप तक जाने की कोशिश करेंगे। बट आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बस का बता रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा था। बट एक बात तो है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बस ट्रिप्स अच्छे हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग ट्रिप्स में ऐसे मतलब लोकल वाले बस में, तो आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि बस का आप लोग कितना हिल रहा था आप लोग देख रहे थे, और सीट्स कैसे हैं आप लोगों ने देखा। पर यहाँ के लोगों के लिए यही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो विलेजर्स हैं तो ये लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, और हमने भी आज वही एक्सपीरियंस किया। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा था,
ओवरऑल इट वॉज अराउंड 30-35 to 40 किलोमीटर्स। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था और आई थिंक लेडीज़ जो लड़कियाँ हैं उन लोगों को भी पसंद आया ये ट्रिप, स्पेशली वो जगह खौली पहुँच के वहाँ पे जब देखा तो उन लोग को और भी पसंद आया। एंड आप लोगों ने फुटेज तो देखा ही है, जो भी मैंने गाड़ी के अंदर बाहर या तो जितना भी शॉट्स लेने की कोशिश किया आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। आज के दिन के लिए यही ये वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जॉय आया होम।